दोस्तों, हमारे देश में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक जुनून है जो हर किसी के सर चढ़कर बोलता है। फिर क्या बच्चा क्या बूढ़ा, हर कोई क्रिकेट का दीवाना है। यहाँ पर क्रिकेट के प्रति दीवानगी के चलते ही आज हमारे देश में हर साल आईपीएल के आयोजन होता है, जहाँ चौके छक्कों के साथ मनोरंजन का तड़का लगता है। लेकिन दोस्तों, बल्ले और गेंद के बीच जंग के इस खेल में हम एक चीज पर गौर करना भूल ही जाते हैं, और वो है फील्डिंग। दोस्तों, हमें खिलाड़ियों की अच्छी बल्लेबाजी याद रह जाती है, अच्छी गेंदबाजी याद रह जाती है, लेकिन अच्छी फील्डिंग भूल जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वहां देखने लायक कुछ नहीं होता है। कई ऐसे मोमेंट्स आते हैं यहां फील्डर एक दो या तीन नहीं बल्कि पांच पांच रन तक बचा लेते हैं। ऐसे ही कुछ बेहतरीन दृश्य आपके सामने है। ब्रेंडन मैककलम, दोस्तों इस एफर्ट को देखिए और बस देखते रहिए, क्योंकि इससे बेहतर दृश्य शायद ही देखने को मिलेगा। एक वक्त पर तो लग रहा था कि गेंद मैककलम के पहुंच से बहुत दूर जा चुकी है, लेकिन जिस तरह सही वक्त पर मैककलम ने डाइव मारी और बाउंड्री लाइन के कुछ ही इंच पहले गेंद को रोक लिया, वो सिर्फ इन्हीं के बस की बात है। लाइन और मैक्सवेल की जुगलबंदी। दोस्तों, ऑस्ट्रेलियाई टीम की फील्डिंग हमेशा से ही वर्ल्ड क्लास रही है, तभी तो ये टीम क्रिकेट में इतने सालों तक राज कर पाई है। इस टीम की फील्डिंग में ढेरों आपको देखने लायक दृश्य मिल जाएंगे जो तालियां बजाने पर मजबूर कर देंगे। लेकिन ये दृश्य जरूर कुछ खास है, क्योंकि यहाँ पर दो फील्डरों ने मिलकर एक चौका जाने से रोका है। सच में इसे जितना देखें उतना ही देखने का मन करता है। समींदा इरांगा, पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे एक मैच में श्रीलंका के फील्डर समींदा इरांगा ने बाउंड्री लाइन पर जिस शानदार क्षेत्र रक्षण का नमूना पेश किया है, वो काबिले तारीफ है। उन्होंने 6 रनों के लिए जाती हुई गेंद को लपक कर बाउंड्री के इस तरफ फेंक दिया और टीम के लिए 2 बेशकीमती रन जरूर बचाए हैं। सुरेश रैना, दोस्तों सुरेश रैना की गिनती हमेशा से ही भारत के बेहतरीन फील्डरों में होती रही है। उन्होंने कई मौकों पर अपनी फील्डिंग के बलबूते मैच को नया मोड़ दिया है। फिर चाहे हम अंतर्राष्ट्रीय मैचों की बात कर लें या आईपीएल की बात कर लें, हर जगह रैना ने अपनी उपयोगिता साबित की है। ऐसा हुआ इस मैच में जहां रैना के सीमा रेखा के पास खड़े होकर कैच तो कर लिया था, लेकिन उनका शरीर नीचे की तरफ गिर रहा था, तभी उन्होंने फुर्ती दिखाते हुए गेंद को बाउंड्री के अंदर फेंक दिया और कम से कम 4 रन बचा लिए। लीडिया ग्रीनवे, दोस्तों अच्छी फील्डिंग के उदाहरण सिर्फ मेंस क्रिकेट से ही नहीं देखने को मिलते हैं, बल्कि वुमेन क्रिकेट में भी ऐसा कुछ देखने को फील्ड में आपको मिल जाएगा जो आपको तालियां बजाने पर मजबूर कर देगा। ऐसा ही एक वाक्य भारत और ऑस्ट्रेलिया के मैच में हुआ, जिसमें ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी लीडिया ग्रीनवे जिस तरह से गेंद को रोकती हैं, वो असंभव तो नहीं था लेकिन असंभव के बहुत करीब था। कपिल देव, इस लिस्ट के कपिल देव अगले नाम है। आपको सुनकर थोड़ी हैरानी भी हो सकती है कि उस दौर में जहां फील्डिंग को इतना महत्व नहीं दिया जाता था, तब भी कपिल देव ने एक शानदार प्रयास करके टीम के लिए कम से कम 2 रन जरूर बचाए हैं। आप देख सकते हैं कि गेंद कपिल देव से कितनी दूर थी। एक वक्त तो ऐसा लग रहा था कि कपिल देव इस दूरी को कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन जिस तेजी के साथ कपिल देव ने अपने कदम गेंद की तरफ बढ़ाए हैं, वे देखने लायक है। आंद्रे रसल, दोस्तों आपने वेस्टइंडीज के खिलाड़ी आंद्रे रसल को गेंदबाजी की धुनाई करते हुए तो खूब देखा होगा। आपने उन्हें छक्के मारते हुए भी बहुत देखा होगा, लेकिन बाउंड्री लाइन पर खड़े होकर एक शानदार एफर्ट लगाकर एक छक्का रोकते हुए शायद ही कभी देखा होगा। देखिए यहाँ किस तरह से रसल ने सही टाइम पर जंप मारकर एक सिक्स जाने से रोका है। मिचेल सेंटना, एक और फील्डिंग एक्सपर्ट देखिए। इसको देखने के बाद आप क्या कहेंगे? शायद कुछ भी नहीं कह पाएंगे, बस बार बार देखेंगे कि सेंटनर ने गेंद कब फेंक दी। इतने कम वक्त में गेंद को कैच भी करना और ये भी ध्यान रखना कि कहीं गेंद के साथ सीमा रेखा के उस तरफ ना चले जाए, और फिर यदि ऐसा हो रहा है तो गेंद को अंदर भी फेंकना है। इतना सब इतने कम वक्त में करना वाकई तारीफ के काबिल है। कोरी एंडरसन, न्यूजीलैंड की फील्डिंग भी हमेशा देखने लायक होती है। अब कोरी एंडरसन के इस एफर्ट को ही देख लीजिए। कोरी एंडरसन असल में बाएं हाथ को ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन अपने पैसिव हैंड यानी कि दाहिने हाथ से जिस तरह का एफर्ट लगाया है, वो गेंदबाज का मनोबल बढ़ाने के लिए काफी है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है। कैसा लगा जरूर बताएं, और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात का इंतजार है? अभी सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल पर जरूर क्लिक कर दीजिए। धन्यवाद।